सो हेलो बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लाभ की गारंटी वाली टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम क्या सीखेंगे? लाभ की गारंटी। देखिए, लाभ की गारंटी आज स्टार्ट करेंगे। अब बोलोगे सर, ये लाभ की गारंटी होती क्या है? तो देखिए, लाभ की गारंटी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक फर्म में साझेदार है, ठीक है, साझेदार ए है, साझेदार बी है, और साझेदार कौन है? सी है, ए बी सी। और जैसा कि आप लोग को पता है, सबका अपना अपना लाभ हानि अनुपात होता है। जैसे 3:2:1 है, ठीक है, 3:2:1 क्या है? 1 है। अभी हुआ ये है कि ए और बी ने क्या किया है, सी को बोला है कि भाई आ जा व्यापार करेंगे। सी बोलता नहीं भाई, मैं तो रेलवे की नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ महीने का मैं 50,000 रुपये पाता हूँ, तो 12 महीने का मैं कितना कमा लेता हूँ? 6,00,000 रुपये। साल भर का मैं क्या कर लेता हूँ? कमा लेता हूँ भाई। मैं अपने नौकरी से क्या हूँ? खुश हूँ, मुझे आप लोग की बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले आ जा भाई, क्योंकि इसके आने से क्या होगा, ए और बी को क्या होगा? फ़ायदा होगा। तो उन्होंने खूब बोला आ जा, जितना तू नौकरी में कमाता है ना, उससे कहीं ज़्यादा तू बिजनेस में कमाएगा, आ जा। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ, और नहीं कमाया तो ठीक है भाई, मैं अगर नौकरी से ज़्यादा कमा लूँगा तो ठीक है, ए और बी को सी बोलता है। और अगर मैं नहीं कमा पाया तो ए और बी क्या बोलते हैं? तो नहीं कमा पाया तो क्या दिक्कत है, हम लोग देंगे ना। तू कितना कमाता है रेलवे में? 6,00,000 कमाता है ना, ठीक है, एक काम कर, तू आ जा हमारे साथ व्यापार में। अगर तू 6,00,000 से ऊपर कमाया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तू 6,00,000 से नीचे कमाया तो जो भी तेरा नुकसान होगा उसका भरपाई कौन करेगा? ए और बी बोले हम दोनों मिलके कर देंगे, यार तू टेंशन क्यों लेता है? वो बोला हाँ भाई, ये थोड़ा ठीक लग रहा भाई बात, चलो आ जाता हूँ। तो उसने नौकरी छोड़ी और किस में आ गया? बिजनेस में आ गया। ठीक, अब हुआ ये कि ए और बी ने गारंटी दिया था, अब व्यापार का लाभ आया। तो मान लीजिए व्यापार का क्या आया होगा? लाभ आया होगा। तो लाभ जब आया, तो सपोज कुछ भी लाभ आया इन लोगों का, तो मान लीजिए लाभ जब आया तो इसका लाभ आया 5,00,000 रुपये, इसका लाभ आया मान लीजिए 3,00,000 रुपये, सॉरी इसका लाभ आया मान लीजिए 10,00,000 रुपया, इसका लाभ आया मान लीजिए 6,00,000 रुपये आया, इसका लाभ मान लीजिए कितना आया? 6,00,000 रुपये। एक मान लीजिए, मैं एक अजम्पशन बेसिस से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, मान लेते हैं कि 6,00,000 रुपये इनका क्या आ गया? लाभ आ गया। ठीक, अब जैसा कि देखो सी के साथ क्या हुआ, साल का कितना कमाने की बात हुई थी, लेकिन सी के बेचारे के हिस्से में आया कितना, कितने का घाटा हुआ उसको? 1,00,000 का। अभी जो 1,00,000 का घाटा हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? ए और बी अपने हिस्से से क्या करेंगे? उसकी भरपाई करेंगे। समझ आया? मतलब ए और बी अपने लाभ में से निकाल कर क्या करेंगे? सी को क्या करेंगे? लाभ में हिस्सा देंगे। इसी को बोलते हैं लाभ की गारंटी। क्या कहते हैं इसी को? लाभ की गारंटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसी को हम लोग? लाभ की क्या कहेंगे? गारंटी कहेंगे। क्लियर है आप सभी को? मतलब लाभ का गारंटी देना, अगर लाभ पूरा नहीं हो पा रहा है तो लाभ की गारंटी देना। अब ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है एक साझेदार द्वारा अन्य, यानी कि एक साझेदार द्वारा किसी एक साझेदार को लाभ की गारंटी देना। चलो मैं को लिख दे रहा हूँ, मतलब लाभ की गारंटी समझ जाना। मतलब एक साझेदार दूसरे साझेदार को लाभ की गारंटी दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि ए बी सी तीनों साझेदार थे, परंतु यहाँ सी को ए बी दोनों ने मिलकर नहीं दिया। किसने दिया? केवल ए ने सी को क्या किया? लाभ की क्या किया? गारंटी दिया। मतलब एक साझेदार किसी अन्य साझेदार को क्या कर रहा है? लाभ की गारंटी दे रहा है। यानी कोई भी नुकसान होगा फिर सारा लाभ किसके अकाउंट से जाएगा? ए के। बी उससे क्या रहेगा? तटस्थ रहेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? वैसे दूसरा होता है अन्य साझेदारों द्वारा किसी एक साझेदार को लाभ की गारंटी। किसी एक साझेदार को लाभ की गारंटी, मतलब देखिए क्या है, ए बी साझेदार हैं, उन्होंने क्या किया, ए बी ने किसको गारंटी दिया? सी को। देखो अन्य साझेदार, सब साझेदार मिलकर किसी एक साझेदार को क्या कर रहे हैं? लाभ की गारंटी दे रहे हैं। इसी प्रकार नंबर 3 होता है साझेदार द्वारा फर्म को लाभ या विक्रय की गारंटी। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, एक साझेदार किसको गारंटी दे रहा है भैया? पूरे व्यापारिक फर्म को गारंटी दे रहा है। ऐसा भी होता है कई बार, ठीक है। जैसे साझेदार क्या हुआ, जैसे एग्जांपल तौर पे ए बी सी तीनों साझेदार थे, तो ए ने ना बी और सी को बोला आ जाओ भैया व्यापार करेंगे। बी सी बोले ठीक है भाई व्यापार करेंगे, और वो बोल रहा है कि इस व्यापार में ना कम से कम देखना, हम लोग ना साल भर में ना 20,00,000 का माल तो बेच ही देंगे। किसको बोला? ए ने बोला किसको? बी और सी को, कि भाई तू टेंशन मत ले, हम लोग साल भर में 20,00,000 का माल तो बेच ही देंगे। तो बी सी बोला बेटा नहीं बेच पाए तो तब क्या करोगे?
तो ए बोला अच्छा नहीं बेच पाए ना, अगर 20 लाख का माल नहीं बिका ना तो मैं उसकी भरपाई करूंगा, मैं गारंटी देता हूँ 20 लाख का माल बिकेगा। तो मान लीजिए साल भर में अगर 22 लाख का माल बिका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिक्री अगर मान लो 18 लाख हुई, कितने गारंटी दिया था उसने, कितना कमी आया, तो 2 लाख अपने घर से लेकर आएगा साहेदार और फर्म को देगा। समझ आया? इसको बोलते हैं साहेदार द्वारा फर्म को विक्रय की गारंटी, या कई बार लाभ की भी गारंटी देता है। साहेदार ऐसा बोलता है भाई टेंशन मत ले, इस व्यापार से हम लोग को 6 लाख तो कम से कम लाभ होगा ही होगा, पूरे सभी साहेदारों को मिला के कितने का लाभ होगा, 6 लाख का। तो बाकी साहेदार बोले अच्छा नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो बेटा मैं पूरा करूंगा। तो यानी वो क्या कर रहा है, लाभ की गारंटी दे रहा है। यानी कि अगर पूरे व्यापार में अगर मान लो 6 लाख की जगह 5 लाख का लाभ आया तो 1 लाख की कमी कौन पूरा करेगा, साहेदार करेगा। कहाँ से लेकर आएगा भैया, अपने घर से अपने जेब से पैसा लगा करेगा। तो इसको बोलते हैं गारंटी। तो हालांकि पढ़ने के नाम पे आप लोग को ये दोनों आएगा, ये तो नहीं आने वाला, ठीक है। अब सवाल उठता सर अनुपात का क्या कहानी होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए अनुपात की क्या बात आएगी, 3:2:1, ठीक है। अब सवाल उठता सर किस अनुपात में लाभ की गारंटी देंगे। तो देखो क्वेश्चन में अगर बोला है अनुपात के बारे में तो उसी अनुपात में लाभ की क्या दी जाएगी, गारंटी दी जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में अगर नहीं बोला है तो कैसे होगा लाभ की गारंटी। देखिए जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों मिलकर किसको दे रहे हैं, साझेदार सी को दे रहे हैं। तो मान लो जो भी कमी आएगी तो उस कमी को पूरा कौन से अनुपात में करेंगे, पता है, ए और बी अपने अनुपात में। तो उसका अनुपात क्या है ए और बी का, 3:2। तो लोग कौन से अनुपात पूरा करेंगे, 3:2, मतलब 3/5, 2/5। समझ में आया, सी को हटा देना, 3:2। अगर गारंटी का अनुपात दिया है तो उसमें पूरा करोगे, नहीं दिया तो फिर कौन सा, जो उनका पुराना अनुपात रहेगा ना उसी अनुपात में। समझ आया? खैर क्वेश्चन करेंगे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, चलेगा, नोट करो। देखो यार अब समझो, अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिए आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर ये 21 है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, आबासा एक फर्म में 4:3 के लाभ में लाभ हानि अनुपात बांटते हैं। बोल रहे हैं कि आ बा और सा 4:3:1 के अनुपात में क्या करते हैं, लाभ और हानि को क्या करते हैं, बांटते हैं। अन्य साहेदारों ने सा को गारंटी दी है। देखो क्या बोल रहा है, अन्य साझेदारों ने किसको गारंटी दी भैया, सा को गारंटी दी। अन्य साझेदारों ने किसको गारंटी दी, सा को क्या की, गारंटी दी। क्या गारंटी दी भाई, तो सा को गारंटी ये दी कि लाभ के रूप में कम से कम 772 रुपये अवश्य मिलेंगे। यानी सा को उसको लाभ के रूप में कितना मिलेंगे, 7200 रुपये लाभ के रूप में सा को क्या होंगे, मिलेंगे। समझ में आया, यानी कि सा के हिस्से में 7200 रुपये क्या होगा, आएगा ही आएगा। और नहीं आया तो और भाई क्या करेंगे, पूरा करेंगे। वर्ष का शुद्ध लाभ 35200 रुपए था। वर्ष का जो शुद्ध लाभ था कितना था, 35200 रुपए था शुद्ध लाभ जो था वो 35200 रुपए था। आपको कहता है कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, ठीक है। चलो बनाए, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, स्टार्ट करो। जैसे कि आपको पता ऊपर हेडिंग लिखते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है, नीचे 31 दिसंबर वगैरह वगैरह लिख लेना आप लोग, ठीक है। चलो शुरुआत कहाँ से किया जाता, हमेशा की तरह समाकलन से, शेष लाया गया जो कि लाभ से शुरुआत किया जाता है। तो बोलो बच्चों लाभ कितना दिया है, 35200। अब क्वेश्चन में चेक करो क्या है, पूंजी पर ब्याज है, नहीं सर नहीं है। क्या आरण पर ब्याज है, नहीं सर नहीं है। क्या कोई साझेदार को वेतन है, नहीं सर नहीं है। तो बात खत्म फिर यहाँ पर, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, लाभ को बांटना है, तो बांटे लाभ को, चलिए लाभ को बांटते हैं, ठीक है। तो बेटा ये अधिक के लाभ आएगा कि नहीं आएगा, जब विकलन में कुछ नहीं तो सारा का सारा क्या आ गया, आधी लाभ आया। किसको किसको मिलेगा, आ को बा को और किसको, सा को, ठीक है। कितना रुपया, 35200 रुपये को बांटना है आप लोगों ने, ठीक है। चलो बांटते हैं, तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। अब हम लिखेंगे रुपीज़ 35200 रुपया लाभ का विभाजन, ठीक है। चलो साझेदारों विभाजन करते, कौन कौन साझेदार है, आ है बा है और कौन है, सा है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, 35200, बोलो आ का हिस्सा कितना बताइए, 4/4 = 7, 7 और 1 = 8 है कि नहीं, ठीक है। वैसी 35200 गुणित कितना, 3/8, और 35200 गुणित कितना करेंगे, 1/8। आया बात समझ में, चलो बांटते हैं, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 4 = 32 कितना आएगा, 8 × 1 = 8, 8 × 32 बचा कितना, 3, 8 × 32 44 आया, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, 4 × 0 = 4, 4 × 16 = 1, 4 × 1 = 4, 4 × 16 = 16 और 1 = 17, 17600 आया इसका हिस्सा।
इसका निकालो 8 × 8 = 4400 इंटू 3 कर दो, 3 × 0 = 3, 12 की दो हाथ में ही, 1 × 3 = 12, 12 × 1 13200। इंजन आपका करो कितना रहा है, 4400 आ रहा है, आया 4400। देखो आ का आया 17600, बा का आया 13200 और सा का कितना आया 4400। हो गया कांड, कितना आना था सा को गारंटी कितने की मिली थी, 7200, मिला कितना लाभ के हिस्से में, सा के हिस्से में कमी आई कि नहीं आई, तो हम लिख सकते हैं वर्किंग नोट में, इसलिए सा के हिस्से में कमी, सा के हिस्से में क्या लिखेंगे, कमी। तो बताओ कितने कमी आई, तो उसको गारंटी मिला था 7200 माइनस कितना करेंगे 4400, चलो करो 7200 माइनस 4400 करो, घटाओ 7200 माइनस क्या करेंगे 4400, ठीक है। देखो शून्य शून्य 12 में 4 है, कितना बचेगा 8, कितना आ गया 2800, कितना आया 2800। ये जो 2800 की कमी आई है, इस कमी को पूरा कौन करने वाला है, अब हाँ और बा, आ और बा किस अनुपात में पूरा करेंगे, अब उसमें अनुपात दिया कि गारंटी का अनुपात क्या होगा, नहीं, तो कौन सा अनुपात है, देखो 4 और 3, सा का हटा दो 4 और 3, तो किस अनुपात में, 4:3 में। तो बच्चों 2800 इंटू कितना करोगे 4/7, और 2800 इंटू कितना करोगे 3/7, तो देखो सॉल्व करो 7 × 7 = 28, कितना हो गया 1600, और ये कितना हो जाएगा 1200, है ना, कितना आ गया 1600 और 1200, ये आ गया 1600 और कितना 1200, तो कितना आया हमारा 1600 और 1200, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, तो 1600 को पूरा करेगा और 1200 को भी पूरा करेगा, ठीक है। तो देखो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब हमको बांटना है, देखो कैसे बांटेंगे, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना है ना, तो देखो इसके लिए आपको एक ना लाभ विवरण पत्र बनाना पड़ेगा, क्या बनाएंगे, लाभ विवरण पत्र बनाना, समझ गए। देखो कौन कौन सा आधार है, आ है, बा है और सा है, तो देखिए अच्छा बताओ, जब आपने लाभ का अधिक लाभ का विभाजन किया तो रियल में लाभ कितना कितना मिला, तो आ को देखा जाए तो 17600 आया आ के हिस्से में, बा के हिस्से में 13200 आया, जबकि सा के हिस्से में कितना आया 4400 रुपये आया, सही बात है कि नहीं, ठीक। अब हुआ ये कि सा को मिला था गारंटी भैया कितने रुपए का, 7200 का, तो उसके हिस्से में आ गई कमी, वो भी कितने रुपए की आ गई कमी, 2800 की, जो कि पूरा किसने किया, आने और बा ने, तो आ के हिस्से से कटा 1600 और बा के हिस्से से कटा 1200, तो माइनस करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे समायोजन, क्या लिखेंगे समायोजन, ठीक है। तो बताओ आ ने कितना दिया 1600, तो आ के हिस्से से कटेगा 1600, समझ आया, बा ने कितना दिया 1200, तो बा के हिस्से से माइनस होगा 1200, जबकि सा को कितना मिला कुल मिला के 2800, तो उसके हिस्से में जुड़ जाएगा कितना 2800, समझ आया कि नहीं आया, ठीक। तो बच्चों क्या करोगे, ऐसा टोटल कर देना, तो देखो 17600 में 1600 निकल गया तो बचा कितना 16000, है कि नहीं, 13200 में 1200 चला गया तो बोलो बचा कितना 12000, और इसका हिस्सा कितना हो गया 7200। देखो जैसा उसके साथ कहा गया था वो वादा उन्होंने क्या किया, निभाया, ठीक। अब बेटा लाभ को बांटना है, तो कैसे बांटोगे, आपको कितना मिलेगा बताओ, पूंजी खाते से, साझेदारों के पूंजी खाते से मिल जाएगा कितना कितना, पहला वाला जाएगा 16000, दूसरा वाला 12000, तीसरा वाला 7200, सबको जोड़ के कितना 35200, बात खत्म। अब जब वो बनाओगे ना साझेदारों का पूंजी खाता, तो आप डायरेक्ट इतना पैसा डालोगे ना, मतलब लाभ की जो गारंटी वगैरह है वो सब वर्किंग नोट में ही दिखाई देगा, समझ आया कि नहीं आया। हाँ जी पूछना है कुछ पक्का, हाँ जी बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है, क्या दिक्कत है, तकलीफ है क्या बनाने में, वर्किंग नोट फेयर में, वर्किंग नोट में डालना भाई, पीछे पीछे नहीं लिखना, बिल्कुल सामने ही लिखना है, तभी नंबर मिलेगा, ठीक है, चलो नोट करो। ओके बच्चों अब देखो मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपके बुक का, ये मैंने बतलाया था आप लोगों को एग्जांपल 21 ना, अब 22 बता रहा हूँ, 22 को लगाना IMP, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, अमाउंट भर चेंज मिलेगा लेकिन क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, कहता है मोहित और रोहन अपनी फर्म में 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करने वाले साझेदार हैं, कहता है कि मोहित और कौन, रोहन, ये दोनों साझेदार हैं, वो भी कैसे अनुपात के साझेदार हैं, 2:1 के साझेदार हैं, लाभ हानि विभाजन करने वाले साझेदार हैं, वे अपने साथ राहुल को एक साझेदार के रूप में अपनी फर्म में 1/4 भाग के रूप में शामिल करते हैं, देखो अभी शामिल हो रहा है ना,
क्या बोल रहा है, उन्होंने क्या किया, ये कौन है, मोहन है, मोहन और रोहन, ठीक है, ये दोनों सायेदार थे। उन्होंने क्या किया, राहुल को 1/4 भाग के लिए क्या किया, नए सायेदार के रूप में प्रवेश दिया। फिर कहता है और कम से कम 50,000 रुपए देने की गारंटी की, यानी कि लाभ की गारंटी कितनी की उसको, बोले कि राहुल को बोले बेटा तू टेंशन मत ले, कम से कम 50,000 तो देखो मिलेगा ही मिलेगा। राहुल बोला ठीक है, और नहीं मिला तो लेखा वर्ष के अंत में 31 मार्च सन 2005 को उनके फर्म को लाभ 1,60,000 रुपए का हुआ। लाभ कितने का हुआ, 1,60,000 रुपए का लाभ हुआ है। आपको कहता है कि लाभ हानि नियोजन खाता, हालांकि इसमें लिखा लाभ हानि विनियोग खाता, मतलब वही है नियोजन ही खाता है, ठीक है, डरना नहीं, ठीक, बनाना है तो बनाएं, चलिए बनाते हैं। तो बेटा ऊपर हेडिंग लिखना, पहले तो लाभ हानि नियोजन खाता लिख डालना, लिख दिए लाभ हानि नियोजन खाता, और कॉलम क्रिएट कर लेना इस प्रकार से, तो ये कॉलम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो बेटा लाभ का शेष शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो समाकलन में क्या लिखेंगे, बोलो शेष लाया गया, बोलो लाभ कितना है, 1,60,000, लिख डालो 1,60,000। चेक करो कहीं पूंजी पर ब्याज है क्या, होता तो विकलन में लिख देते। आहरण पर ब्याज है क्या, होता तो समाकलन में लिख देते। कोई वेतन वेतन है क्या, होता तो विकलन में लिख देते, परंतु ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जब कुछ नहीं है तो बस खाता वही क्या करोगे, बंद करोगे, और बड़े ईमानदारी पूर्वक, क्या बोल रहा हूँ मैं, बड़े ईमानदारी पूर्वक अधिक लाभ को क्या करोगे, बांट दोगे, अधिक लाभ को किसमें किसमें बांटोगे, मोहन में, रोहन में और राहुल में, ऐसे करके बांटोगे, है कि नहीं, ठीक। अच्छा, यहाँ पूंजी खाते से लिख सकते ना आप लोग, लिखते हो कि नहीं लिखते हो, तुम लोग बार बार बताने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना, ठीक है, चलो बांटे। तो बेटा आपको क्या करना है, बांटना है, लेकिन सबसे बड़ा कहानी में ट्विस्ट ये है कि सर बांटे कैसे, अभी तक हम लोग 3 सायेदार थे और यहाँ पे भी 3 सायेदार थे, लेकिन तीनों सायेदारों का कंटिन्यू देखना अनुपात दिया रहता था, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, 2 सायेदार का कंटिन्यू अनुपात दिया है लेकिन 1 सायेदार का अनुपात नहीं दिया है, तो ऐसे में आप लोग का काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। आप बोलोगे सर अब हम लाभ को कैसे बांटे, तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, जब आपको लाभ का अनुपात कंटिन्यू ना दे, जैसे होता ना 4, जैसे 2:1 देता तो अपन मानते भाई डायरेक्ट बांटते, फिर उसमें देखते कंपेयर करते कमी कितनी गई, लेकिन यहाँ पे तो 2 सायेदार थे, 2:1 था, 2 सायेदार का दिया है, राहुल का नहीं दिया है। जब ऐसा सिचुएशन आए तो लाभ को थोड़ा अलग तरीके से बांटोगे, कैसे बांटोगे, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। क्या करना, लिखना रुपीज कितना, 1,60,000 ना, 1,60,000 को बांटना है, कौन कौन सा, 1,60,000 है ना, 1,60,000 और 1,60,000, हाँ, तो अपन लिखेंगे 1,60,000 रुपये लाभ का वितरण या विभाजन, ठीक है, बांटे। तो देखो सबसे पहला कंटिन्यू रिलेशन दिया नहीं है, तो पहले एक काम करो, राहुल को दे दो, नया सायेदार कौन है, राहुल, पहले राहुल को दो, क्या बोला, राहुल को कितने कितने भाग का सायेदार है, राहुल 1/4, कुल मिला के लाभ आया कितना, तो 1,60,000 का 1/4 राहुल को दे दो, यही तो बोला था ना, कुल लाभ का कितना मिलेगा उसको, 1/4, तो 1/4 निकाल दो, 4 × 4, 4 × 16 कितना आया बच्चों, 40,000, तो राहुल का हिस्सा आ गया 40,000, ठीक। अब बचा लाभ, ठीक, तो देखो कुल लाभ था कितना, कुल लाभ था 1,60,000, जिसमें से आपने राहुल को कितना दे दिया, राहुल का भाग, बोलो राहुल को कितना दे दिया, 40,000। अब आपके पास लाभ कितना बचा, अब बताइए इस 1,20,000 के लाभ पे किसका हक है, मोहन का और रोहन का, मानते हो कि नहीं मानते हो, भाई 1,60,000 लाभ आया था, 1/4 दे दिए किसको, राहुल को, अब जो लाभ बच गया है 1/20, वो किसका हक है उस पर, मोहन और रोहन का, और अनुपात कितना है, 2:1 है, नहीं बोलो है, तो बेटा 1,20,000 को बांट दो, 1,20,000 2/3, और 1,20,000 इंटू कितना, 1/3, चलो बनाओ कितना आएगा, 80,000, और इसका कितना आ गया, 40,000 रुपया, आया बात समझ में कि नहीं आया, आया आ गया 80 और 40 कि नहीं आया। तो इस प्रकार बच्चों मोहन का आया कितना हिस्सा, मोहन का लाभ आया कितना, 80,000, उसके बाद हमने देखा रोहन का कितना आ गया, 40,000, जबकि राहुल का कितना आया बॉस, 40,000, किसको मिला था गारंटी, रोहन को कि राहुल को, कितने का, कितना मिला, कितने कमी, कौन पूरा करेगा, मोहन और रोहन, कौन से अनुपात में, 2:1 में, वेरी गुड, समझ आया, करे पूरा, तो अपन लिखेंगे, देन लिखेंगे राहुल, राहुल के हिस्से
में कमी, तो राहुल के हिस्से में कमी कितनी आई बच्चों, 50,000 में 40,000 घटा दो कितनी कमी आई, 10,000 की कमी आई। अब ये 10,000 की कमी आई इसको पूरा कौन करेगा, मोहन और रोहन, क्योंकि भैया होशियारी उन दोनों ने मारा था, तो भैया देख लो तुम अब, ठीक है। तो दो अनुपात कितना एक है ना, दो अनुपात कितना एक के अनुपात है, बराबर अनुपात है बोला था, दो ही एक में आएगा ना, हाँ ठीक है दो एक, चलो बांटो। तो 10,000 इंटू कितना 2/3, और 10,000 इंटू कितना 1/3, सॉल्व करोगे 3,333.33 आएगा ये सॉल्व करोगे तो, समझे। तो इसको राउंड ऑफ करके क्या बोल सकते हैं, 3,333, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6,666.66 आएगा। तो देखो पॉइंट के बाद 0.5 से ऊपर का डिजिट है, 0.50 से ऊपर का डिजिट है, तो मैंने बोला था 1 रुपया बढ़ा लेना, तो 1 रुपये इसको बढ़ा लो कितना आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आया था 0.33, तो 0.5 से ऊपर का डिजिट है कि नीचे का डिजिट है, तो बेटा क्या करो, मैंने बोला था इग्नोर कर देना, नहीं समझे, तो आया कि नहीं आया, आ गया। तो अब हम लोग लाभ को बांटे, तो देखो इसके लिए लाभ विवरण पत्र बनाना पड़ेगा, लाभ विवरण पत्र बना लो, ठीक है। तो देखो ये तीन साझेदार हैं, तीन साझेदार कौन कौन साझेदार हैं, मोहन, रोहन और कौन, राहुल, कौन, हाँ। तो देखो लाभ देखेंगे हम लोग, तो बताओ वैसे लाभ कितना कितना मिला इनको, पहले वाले को मिला 80,000, दूसरे वाले को मिला था 40, तीसरे वाले को मिला था 40, बताओ किसके, आप समायोजन करें, बोलो किसके अकाउंट से कटा, मोहन के अकाउंट से कटा 6,667, कटा ही नहीं कटा, जबकि रोहन के अकाउंट से कितना कटा 3,333 कटा, और इसको मिला कितना 10,000, चलो इनको घटाओ इनको जोड़ो तो लाभ आ जाएगा, वास्तविक लाभ आ जाएगा। तो देखो 80,000 में 6,666 घटाओ, तो घटाओगे तो कितना आ गया, 6,000 घटाओगे 74,000, 73,000, 73,333 आ जाएगा इसका हिस्सा, है ना। इसके में घटा दो कितना आ जाएगा 36,667, और इसका आ जाएगा 50,000, क्या बोलते हो, है इजी। तो बेटा अधिक लाभ जब बांटा तो बताओ मोहन का लाभ कितना है, फाइनल लाभ 73,333, वो जनाब का कितना आया 36,667, और उन जनाब का कितना आया 50,000, सबको बांट के कितना हो गया 1,60,000, क्या बोलते हो आप लोग, समझ आया कि नहीं आया, अच्छे से आया ऐसे ही आया, अच्छे से आया, प्लीज नोट करिए। देखो बच्चों अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसी में आपको बना के लाना, ठीक है, समझ लो क्वेश्चन वही है, मोहन और रोहन साझेदार थे बट इस बार बराबर के साझेदार थे, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, बराबर के नहीं थे, दोनों पात एक एक के साझेदार थे, ठीक है, दोनों पात एक के साझेदार थे। राहुल को उन्होंने 1/4 भाग के लिए प्रवेश किया, लाभ की गारंटी 50,000 रुपया है, चलो हम इसको बदल कर 1,00,000 कर देते हैं, ठीक है, 1,00,000 रुपये लाभ की गारंटी है, और व्यापार का जो कुल लाभ आया है वो आया है 3,20,000 रुपया, ठीक है। लेकिन लाभ की गारंटी जो वहन करेंगे वो अपने पुराने अनुपात में नहीं करेंगे, गारंटी का अलग अनुपात बता दे रहा हूँ, और गारंटी का अनुपात क्या होगा, 1:1, अगर मान लीजिए कोई कमी आएगी तो उसको कैसे पूरा करेंगे लोग, बराबर 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 बराबर, जैसे अगर 10,000 कमी आई तो 5,000 कौन देगा, मोहन, 5,000 देगा रोहन, नहीं आया समझ में, ये होमवर्क है इसको बना के लाना, नोट करो जल्दी से। ओके बच्चों ध्यान दीजिएगा आप सभी, अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर, मैं एग्जांपल नंबर 23 बता रहा हूँ, और एग्जांपल नंबर 23 आईएमपी है, क्योंकि कुछ ही साल में 2019 में आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, तीनों सेट में आया है, और एक तो लाभ की गारंटी वाला क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, ये दिमाग में बैठा लो। देखो क्या लिखा है, महेश और दिनेश एक फर्म में 2:1 के साझेदार हैं, महेश और दिनेश ये दोनों साझेदार हैं, 2:1 कितने के, 1 के। उन्होंने 1 जनवरी 2006 को अपनी फर्म में राकेश को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया, 1 जनवरी 2001 को उन्होंने किसको प्रवेश दिया, राकेश को भी कितने भाग के लिए, 1/6 भाग के लिए प्रवेश दिया, सेम ऐसी जैसे बताया वैसी अभी देख लो, सॉरी 1/10 भाग के लिए, कितने भाग के लिए, 1/10 भाग के लिए, जैसे अभी बताया सेम वही है ना, वैसी बनाना है। आगे कहता है और उसे कम से कम 25,000 की गारंटी देते हैं, तो बताओ राकेश को कितने की गारंटी मिली, 25,000 की गारंटी मिली दोनों साझेदारों से, ऑल राइट, ठीक। फिर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े करो, कई बार ऐसा होता है कोई एक साझेदार गारंटी देता है तो फिर सारा पैसा उसी के अकाउंट से कटेगा, तो वर्किंग नोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आगे लिखा है
परंतु राकेश की गारंटी के खाते में कोई कमी आने पर उसे मिलकर क्रमशः 3:2 के अनुपात में वहन करने को सहमत हो जाते हैं। देखो वैसे लो लाभ अनुपात क्या है, 2:1, बट बोल रहा है कि राकेश के हिस्से में अगर कोई कमी आएगी बॉस तो उसको किस अनुपात में पूरा करेंगे, लो 3:2 के अनुपात में पूरा करेंगे। यानी कि गारंटी का क्या दिया है यहाँ पे, अनुपात दिया हुआ है, समझ आया। फिर कहता है फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है, साल 31 दिसंबर 2006 को 120,000 हुआ। फर्म का लाभ कितना हुआ, 120,000 रुपये हुआ। आपको कहता है लाभानि विवरण पत्र बनाइए या विनियोग खाता बनाइए, बात एक ही है, बनाए, चलो बना डालते हैं। तो लिखेंगे लाभानि नियोजन खाता, लाभानि क्या लिखेंगे बच्चों, नियोजन खाता, ठीक है। कौन से साल को लाभ खत्म हुआ है, 31 दिसंबर 2006 को समाप्त वर्ष हेतु, ये लिखना अनिवार्य है आपको ना, अदरवाइज नंबर कट जाएगा ना। चलिए तो इस प्रकार से कॉलम क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, तो ये कॉलम बन गया हमारा। चलिए बोलो शुरुआत कहाँ से किया जाएगा, आप ही बताइए क्या लिखूँ। शेष लाया गया कितना कितना, 120,000 रुपये लगा दिए। चलिए काम करते हैं अपना, हो गया यहाँ तक, ओके ओके ओके। लाभ और कुछ तो है नहीं, पूंजी पर ब्याज प्याज कुछ है नहीं, सीधा क्या करेंगे अधिक लाभ को बांट देंगे। तो चलो बच्चों बांटते अधिक लाभ को, कौन कौन है, मोहन है, दिनेश है और राकेश है, जो भी है, ठीक है, 120 तो बांटे, चलो बांटते हैं, जल्दी बांटते हैं। मैं दुनिया भर का चीज़ लिखूं कि रहन दूँ, रुपीज़ 120,000 रुपये का विभाजन, चलो विभाजन करें। तो बोलो क्या इनका कंटिन्यू रेशियो दिया है, कैसे करें, क्या करूँ, पहले राकेश को दे दें, तो अब लोग लिखेंगे राकेश या राकेश का भाग, तो बोलो राकेश का लाभ में हिस्सा, राकेश का लाभ में हिस्सा, तो बोलो कुल लाभ कितना आया है, 1,20,000 आया ना यहाँ वाला बैलेंसी फिगर, ठीक है। तो 1,20,000 का कितना भाग मिलना है इसको, 1/10 दे दो, यानी कितना दे दिए, 12,000। अब बच गया कितना शेष भाग, तो शेष भाग लिख लो, तो देखो लाभ था तुम्हारा कितना, 1,20,000, जिसमें से तुमने राकेश को कितना दे दिया, राकेश का भाग 12,000 दे दिया, बोलो अब कितना बचा, 1,08,000। तो बताइए बच्चों इस 1,08,000 के लाभ पर किसका अधिकार है, मोहन का जो भी है, इसका एम का और डी का, है ना, किस अनुपात में बांटना है, चलो बांटो 1,08,000 इंटू कितना करेंगे, 2/3, और 1,08,000 इंटू कितना करेंगे, 1/3, चलो सॉल्व करो कितना आएगा बताओ, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 36,000 यानी 72,000, पहले वाले का 72,000, दूसरे वाले का 36,000, आ गया 36,000 कि नहीं आया, ठीक। हाँ तो हिस्सा क्या क्या आया, मोहन का, दिनेश का और राकेश का, तो मोहन का लाभ आया कितना, 72,000, दिनेश का आया 36,000 और आर का कितना आया, 12,000। कितने की गारंटी मिली थी भैया इसको, 25 की, 12 आया, बहुत ज़बरदस्त गिरा है नीचे, कमी आई है, क्या बोलेंगे, कमी बोलो कितना कमी, कितना करेंगे, 25 माइनस 12 कितने हज़ार कमी आई, 13,000। तो बोलो बच्चों 13,000 को पूरा करेगा कौन, एम और डी, कौन से अनुपात में, 3:2 में, कितने अनुपात में, 3:2 में पूरा करेंगे, किस अनुपात में पूरा करेंगे, 3:2 में पूरा करेंगे, बिल्कुल, चलो करें। तो देखो यहाँ करो 13,000 इंटू कितना करेंगे, 3/5, और 13,000 पहले इसका निकाल दो, फिर 13,000 इंटू 2/5, फटाफट करो कितना आ रहा, देखो करो कैलकुलेट, 5 से मैं करूँ, चलो कर देते हैं, 5 से कैंसिल करो, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, और 5 × 6 = 30, 2600 कितना आ गया, 2600, 2600 इंटू 3, 2600 इंटू 3 करो कितना आएगा, 2 × 2 = 6,000, और 6 × 3 = 1800, 7800 कितना आएगा, 7800, और इधर कितना आएगा, 2600 × 5,400 कितना आएगा, 5400, देख लो 7800 × 5400 नहीं है, 5200, 2600, हाँ 5000 कितना, 200, बिल्कुल आ गया, चलेगा। विवरण पत्र बना ले, कौन कौन है, मोहित, एम, डी और आर,
ठीक है, तो देखो उनका लाभ कितना कितना है, उनको लाभ कितना बटा था वैसे 72 मिला था, इन जनाब को मिला था 36 और इस जनाब को मिला था 12, समायोजन कर देना। तो इसको इसके अकाउंट से कटेगा, कितना कटेगा 7,800, इसके अकाउंट से कितना कटेगा 5,200, इसके अकाउंट में कितना जुड़ेगा 13,000, है कि नहीं। तो देखो इसके अकाउंट से काटो 7,800 घटाओ 64,200, 36,000 घटाओ 30,800, इसको घटाओ, ये जोड़ो, चेक करें आंसर आया क्या सबका, आंसर आया है ठीक। तो देखो बच्चों आंसर क्या आया, 64,200, 30,800 और 25,000। अच्छा जैसे मान लो पूंजी खाता नहीं बनाओगे तो पूंजी खाते में फिर कौन सा रकम डालोगे, ये सब टेंशन मत लेना, सीधे रकम डालना जैसे डालते हो, बात खत्म। नहीं आया समझ में, कैसा लगा? अब आपके बुक में जो लाभ की गारंटी वाले क्वेश्चन है वो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? तो आज हमारा लाभ की गारंटी वाला टॉपिक क्या हुआ, खत्म हुआ। कल के क्लास में हम लोग पूर्व समायोजन देखने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए थैंक यू बच्चों, क्वेश्चन बना लीजिएगा।